हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि फाइनली खत्म हो चुका है क्राउन जूल से पहले का आखिरी स्मैकडाउन, और आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि इस वीक के स्मैकडाउन के ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के सेगमेंट में हमें ऐसा क्या कुछ देखने को मिला जिसकी वजह से रोमन रेंस अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप क्राउन जूल के पेपर व्यू में हारते हुए दिख सकते हैं। एंड यस, वो पॉल हेमन का धोखा देना नहीं बल्कि कुछ और है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि क्या ब्रे वाइट या काजा द फिन WWE में वापस आने वाले। इसके अलावा स्मैकडाउन के बाद हमें रोमन रेंस का कौन सा सिंगल्स मैच देख को मिला। तो गाइस, सबसे पहले हम स्मैकडाउन की बात से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो वो मैच कोई और नहीं, वो है रोमन रेंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच। तो आप सबको बता दूं, ये मैच भले ही हमें स्मैकडाउन के बाद देखने को मिला, लेकिन ये वहां बैठे ऑडियंस के लिए नहीं था, बल्कि WWE ने इसे अभी से टेप कर लिया ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स इवेंट के लिए, जो कि हमें एयर होते हुए दिखेगा 14th नवंबर को। और जीत तो आप सबको पता ही, इस मैच में किसकी हुई होगी, यानी कि रोमन रेंस ने हरा दिया शिंसुके नाकामुरा को। बट हां, गौर करने वाली बात यह है, WWE इस मैच को जब नवंबर मंथ के लिए करियो, देन हो सकता है हमें फ्यूचर में शिंसुके नाकामुरा एंड रोमन रेंस की फ्यूड भी देखने को मिल जाए। और अगर ये फ्यूड होती है तो भाई सबसे ज्यादा मैं इस चीज को देखने के लिए एक्साइटेड होगा कि आखिरकार पैट मैकफी किसके साइड होने वाले, शिंसुके नाकामुरा के या फिर रोमन रेंस के, बिकॉज दोनों सुपरस्टार्स के लिए उनके रिएक्शन काफी ज्यादा कमाल के आते हैं। लेकिन क्या आप रोमन रेंस एंड शिंसुके नाकामुरा की फ्यूड फ्यूचर में देखना चाहते हो या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, हमें क्या द फिंड या कहा जाए ब्रे वाइट WWE में वापस आते हुए दिखने वाले हैं। देन गाइस, सबसे पहले आप सबको बता दूं, ब्रे वाइट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सबसे पहले इस फोटो को डाला, जो कि है रेसलमेनिया 37 की, एंड उन्होंने कैप्शन लिखा है, डोंट वरी आई विल फीड यू बेबी बर्ड्स हैशटैग कल्ट ऑफ विंडम। एंड गाइस, उन्होंने जो कैप्शन लिखा है उसे देखकर ये माना जा रहा है कि वो अपने इंपैक्ट रेसलिंग के डेब्यू को टीज करें। लेकिन हां, उन्होंने जो पिक लगाई है वो लगाई है WWE की, यानी कि द फिंड की। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया है, जो कि है लुक इन लेन फिंडी। अब इसका मतलब अगर आप नहीं समझ रहे तो आप सबको बता दूं, WWE ने जो ब्रे वाइट को रिलीज किया उसमें से एक रीजन ये भी है कि ब्रे वाइट का ओवर था, और वो इस ट्वीट से इस चीज को रिफरेंस करे। और अगर आप सब ये जानना चाहते हो कि उनका AEW को लेकर क्या कुछ स्टेटस है, तो गाइस टोनी खान ने ये साफ साफ कह दिया कि उनकी एंड ब्रे वाइट की इस चीज को लेकर अभी कुछ भी बात नहीं हो रही है, यानी कि चांसेस काफी ज्यादा है, या तो ब्रे वाइट आप सबको इंपैक्ट रेसलिंग में जाते हुए दिखने वाले, या फिर वो आने वाले हैं वापस WWE में। वैसे आप ब्रे वाइट को किस प्रमोशन में देखना चाहते हो, इंपैक्ट रेसलिंग में, AEW में, या फिर WWE में? और अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है क्राउन जूल में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच से, कि आखिरकार इस वीक के स्मैकडाउन में हमें ऐसा क्या कुछ हिट मिला जिसकी वजह से ये लग रहा है देखकर कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार सकते हैं। एंड यस, वो रीजन पॉल हेमन का धोखा देना नहीं बल्कि कुछ और है। तो गाइस, जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन के लिए ब्रॉक लेसनर कंफर्म थे, एंड WWE ने ये अनाउंस किया कि हमें ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाला है स्मैकडाउन के मेन इवेंट में। और WWE ने इस सेगमेंट को काफी कम टाइम दिया, बट कम टाइम में ही उन्होंने काफी कुछ हमें बता दिया। सबसे पहले तो रोमन रेंस आते हैं, उसके बाद तुरंत ही एंट्री होती है ब्रॉक लेसनर की, एंड इस बार ब्रॉक लेसनर आराम से बैठे हुए थे और रोमन रेंस खड़े थे। और उसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए, एंड पॉल हेमन बोलते सब कुछ सही है, और रोमन रेंस उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। और जब ब्रॉक लेसनर को दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, देन ब्रॉक लेसनर बिना कुछ पढ़े उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। तब रोमन रेंस ये चीज बोलते हैं, मैंने तुम्हारे जैसे बेवकूफ को नहीं देखा है जो कि बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। तो इसका रिप्लाई करते हैं ब्रॉक लेसनर, बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो, बिकॉज पॉल हेमन के साथ मैंने मॉर्निंग में इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया था। और इसके बाद जो रोमन रेंस का रिएक्शन आया वो देखने लायक था। तो गाइस, यहां पर जो हमें हिंट मिली है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ स्टिपुलेशन था, इसलिए रोमन रेंस ने पॉल हेमन को पढ़ने बोला और पूछा सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। और जब ब्रॉक लेसनर उस कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े साइन कर देते हैं, देन रोमन रेंस एक तरह से खुश हो जाते हैं। तो गाइस, हो सकता है अगर ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन मिले हुए हो, देन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस कर दिए होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को रोमन रेंस ने नहीं पढ़ा, ये बात को आप सबने नोटिस किया होगा। एंड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ जिसका रोमन रेंस को पता ना हो, सिर्फ और सिर्फ पता हो ब्रॉक लेसनर को, एंड वो उसका यूज कर हरा दे रोमन रेंस को एंड जीत जाए यूनिवर्सल चैंपियनशिप। यानी कि इनडायरेक्टली पॉल हेमन तो हेल्प करेंगे ब्रॉक लेसनर की। एंड इस वीक के स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ बड़ा हिंट मिला वो तो मैंने आप सबको बता ही दिया, इसलिए लेट्स सी कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ रहता है जिसे रोमन रेंस ने नहीं पढ़ा एंड वो उन्हें भारी पड़ जाता है क्राउन जूल के पेपर व्यू में। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है क्राउन जूल के पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस में से किसके साइड होने वाले हैं पॉल हेमन। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।